चीनी समुद्र तट से थोड़ी ही दूर साउथ चाइना सी में ही एक द्वीप स्थित है, जो आज कंप्यूटर और उसके उपकरण निर्माण के लिए दुनिया में अपनी खास पहचान रखता है, जिसे ताइवान कहा जाता है। लेकिन क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि 1949 से पहले ताइवान नाम का कोई देश था ही नहीं? जी हाँ, ये सच है। 1949 से लगभग 30 वर्ष पहले यानी 1919 के चीन में एक पूंजीवादी सरकार थी। पार्टी का नाम था कॉमिंगतांग यानी KMT और पार्टी के मुखिया थे चांग काई शेक और चीन का नाम था रिपब्लिक ऑफ चाइना। उसी समय पड़ोसी देश सोवियत रूस में पहले लेनिन और फिर स्टालिन की अगुवाई में वामपंथी विचारों वाली शासन प्रणाली आई। पड़ोसी देश चीन में भी इस विचारधारा का प्रसार होने लगा। हमें चाहिए आज़ादी वाली विचारधारा के इसी खुमार में चीन में एक नेता उठ खड़ा हुआ, जिसका नाम था माओ ज़ेडोंग यानी माओ। साल दर साल माओ ने गरीब किसानों को लेकर राजनीतिक विद्रोह के विचार को फैलाना शुरू कर दिया। पार्टी का गठन किया गया, जिसका नाम था CCP यानी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, और साल आ चुका था 1927। चीन के तब के मुखिया चांग ने इस पार्टी को अवैध करार कर दिया, लेकिन माओ ने अपना काम जारी रखा और 1931 आते आते चीन का क्यांगशी प्रांत CCP का गढ़ बन चुका था। इसी साल चीन पर जापानी हमला हुआ। चांग काई शेक की कॉमिंगतांग सरकार दो मोर्चों पर घिर चुकी थी। उस पर भी चांग ने जापान से ज़्यादा खतरनाक साम्यवादी माओ को माना। साम्यवादियों की बढ़ती ताकत को कुचलने के लिए उन पर लगातार हमले जारी थे। 1930 से 1933 तक चांग की सेना ने लगातार 4 हमले किए और पांचवा हमला 10 लाख सैनिकों की सेना के साथ किया, जिसमें माओ के पैर उखड़ गए और उसे भागने पर मजबूर होना पड़ा। माओ ने अपने लोगों के साथ ऊपर की ओर लगभग 6000 किलोमीटर की यात्रा कर सुदूर उत्तर में येनान प्रांत को अपना केंद्र बना लिया। यहाँ आकर माओ को अब अपने संगठन में नई जान फूंकने का मौका मिल चुका था। दूसरी तरफ चांग जापान के साथ युद्ध में घिरा हुआ था। देश में लगातार कमजोर होती जा रही चांग सरकार के खिलाफ माहौल बनने लगा, जिसका स्वाभाविक लाभ माओ ने उठाया। जापान से लड़ रहे खुद के देश की सरकार के खिलाफ माओ ने छापामार युद्ध शुरू कर दिया और देश गृह युद्ध में घिर गया। उधर दूसरा विश्व युद्ध भी शुरू हो गया था। चांग काई शेक को मिलने वाली अमेरिकी मदद भी कम कर दी गई थी। 1945 तक आते आते हालांकि चांग की हालत कमज़ोर हो चुकी थी, पर उनके नेतृत्व वाले रिपब्लिक ऑफ चाइना को संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्य के तौर पर जगह मिली। इधर देश भर में माओ सत्ता में स्थित कॉमिंगतांग पार्टी के विरोध में लहर बनाने में कामयाब रहा। अमेरिका द्वारा मिलने वाली मदद के अभाव में चांग को समझ आ चुका था कि उसकी जड़ें अब उखड़ने वाली हैं। साल आ चुका था 1948। जल्द ही उसने अपनी सेना को एक सेफ शेल्टर ढूंढने के काम पर लगा दिया। खोजबीन शुरू हुई और आज के मेनलैंड चाइना से लगभग 100 किलोमीटर दूर समुद्र में स्थित फार्मोसा आइलैंड को महफूज शेल्टर समझा गया। जहाज पर जहाज भर के लोगों, मौजूदा कोष और रसद सामग्री को फार्मोसा लेकर जाया गया। ये बड़ा विस्थापन था। लगभग पूरी की पूरी राजधानी को उखाड़ कर 1949 तक फार्मोसा में स्थापित किया गया। रिपब्लिक ऑफ चाइना अब फार्मोसा द्वीप पर आ गया, जिसे अलग देश माना गया और उसका नाम रखा गया ताइवान। इस तरह आज का ताइवान अस्तित्व में आया। उधर माओ ने अपने सार्वजनिक जीवन में लगभग 5 करोड़ लोगों की राजनीतिक हत्याएं कराई और उसे साम्यवादी क्रांति का नाम दिया। माओ द्वारा गठित पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने चीन के सारे भूभाग पर कब्जा कर लिया। नया देश बना, नाम रखा गया पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। सरकार बनी चाइना कम्युनिस्ट पार्टी की और मुखिया बन बैठा माओ ज़ेडोंग यानी माओ। तो ये था इतिहास ताइवान का। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहें हमारे साथ द 4th पिलर पर। धन्यवाद।